अपने हुलर मिसिंग में किस तरह आपको इस तरह से चावल का साथ धान आ जाता है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है और किस तरह से उसको कौन सा पार्ट आपको बदली करना है अपने हुलर मिसिंग के बारे में, तो इस वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और फिर किस तरह आपको वो बंद करना है और किस तरह आपको एडजस्ट करना है, इसमें सारी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। चल फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ चुकी है मैं फिर से आपको अपनी वीडियो का इंट्रो का बात, तो फिर मैं शुरू कर चुका हूँ अपनी वीडियो। तो देख रहे होगा मेरा होलर मशीन का चल इस तरह से निकल कर जाता है, बिल्कुल धान नहीं आता है मेरा होलर मशीन में। तो पहले मेरे में आ जाता था धान, तो फिर मैं उसको कौन सा पार्ट आपको बुडले किया वो दिखाऊँगा और किस तरह अपने हाथ को एडजस्ट करना है होलर मशीन पर। तो इसमें इस वीडियो में वही आपको दिखाऊँगा स्टेप बाई स्टेप, पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। चल वीडियो को आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा चावल आप होलर मशीन का चावल है ये, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल धान नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह मैं एडजस्ट करता हूँ और कौन सा पार्ट मैं चेंज कर चुकी हूँ अपने होलर मशीन का बार होलर मशीन का, तो इसमें वही दिखाऊंगा मैं आपको। तो फाइनली हम जाती है अभी होलर मशीन के पास में और नज़दीक जाके आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों मैं होलर मशीन को दिखाता हूँ आपको, ये मेरा होलर मशीन है, तो हमें कौन सा हमें बुडली करना होगा, ये जो दिख रहा होगा आप ब्लेड, यह इसको इस ब्लेड को आपको बुडली करना होगा। अगर आपका आपका होलर मशीन में चावल का साथ धान भी निकाल आ जाता है तो ज़्यादा, तो आपको ये ब्लेड आपको बुडली करना होगा, ठीक है दोस्तों। इस ब्लेड को बदली करना होगा आपको, अगर आपका ये पुराना हो चुकी है तो और खा चुकी है तो इसको बदली करना होगा। चलाते चलाते ये होलर ब्लेड भी आपका पतली हो जाता है और उसकी वजह से आपको धान में ज़्यादा टच नहीं होता है, तो उसी वजह से आपका चावल का साथ धान भी निकाल जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये एडजस्ट आपको ये एडजस्ट में भी ध्यान देना होगा, आपको कितना गिराना है अपना धान इसमें होलर में, तो इसके इसमें आपको एडजस्ट करना होगा। फिर आपको ये हाथ इस तरह से आपको ये जो दिख रहा है यह हाथ इस तरह से घुसा के आपको यह भी एडजस्ट करना होगा अपने हाथ में। चालन का टाइम आपको ज़्यादा स्टॉक करना होगा, वह होलर पर ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए, तभी आपका धान चावल का साथ कमटी निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। और अगर ब्लेड आपको किस तरह बदली करना है आपको नहीं पता है तो मेरे दूसरे वीडियो में आपको बना चुकी है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके क्लिक करके चेक करना जरूर आपको किस तरह बदल करना है अपनी ब्लेड में ब्लेड को होलर मशीन का। तो अब ये देख रहे होगा ये ब्लेड आपको इसको बदली करने के लिए एक खोलना होगा, सिर्फ एक खोल के ऊपर देना होगा, फिर सपा उपा करके फिर से आपको लगाना होगा, तभी आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वीडियो में इतना ही, मेरा वीडियो को देख के अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।